साहिबगंज और मनिहारी के बीच फिर से फेरी सेवा बहाल करने की मांग की जा रही है। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन कर पप्पू यादव, निशिकांत दुबे, राजमहल विधानसभा से विधायक अनंत ओझा और बाबूलाल मरांडी पर साहिबगंज मनिहारी फेरी सेवा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सरकार जो है, सरकार के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस मामले को बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर पेश करते हैं। दुर्घटना होने को तो हर जगह होता है, हवाई यात्रा में दुर्घटना होता है, रोड पर होता है, रेल में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको बंद कर देते हैं। दरअसल बीते गुरुवार और शुक्रवार की रात साहिबगंज से मनिहारी जा रही फेरी गंगा नदी में अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिससे 6 ट्रक और उसमें सवार ड्राइवर पानी में गिर गए। उसके बाद से ही ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। नेताओं ने पूरे जहाज डूबने के साथ साथ इसमें सैकड़ों लोगों के डूब जाने की बात सड़क से सदन तक उठाई थी। कि हमारा फेरी सेवा बंद है, जो भी फेरी सेवा में दुर्घटना हुई थी उसमें झूठा हल करना आजमाया गया है, क्योंकि बोला गया है कि 100 से 200 लोग मरे हैं, 15 से 20 गाड़ियाँ डूबी है, जहाज ही डूब गया है। इसलिए इस चीज में मुद्दा हम लोग किए हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि 15-20 गाड़ियाँ ना जहाज ना 100 से 200 लोग डूबे हैं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है हमारे इस जहाज के। जहाज का मुख्य मुद्दा है कि हम लोग ट्रक वाले हैं, लोग लेबर है, ओनर है, मिल वाले हैं, सारे लोग, ये जहाज बंद होने से सारे लोग लाखों हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं, रोड पे आ गए हैं। बता दें कि साहिबगंज और मनिहारी के बीच गिट्टी की ढुलाई फेरी सेवा के माध्यम से होती है, जिसमें साहिबगंज और मनिहारी के हजारों ट्रक और मजदूर इस व्यापार से जुड़े हैं। दोनों इलाकों का प्रमुख और एकमात्र व्यापार यही है। फेरी सेवा के बंद हो जाने के कारण ट्रक संचालकों और उससे जुड़े मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर लोगों ने आज उन तमाम नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिन्होंने गलत तथ्य को प्रस्तुत कर इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर इस व्यापार को संकट में डाला है। प्रीतम पांडे, न्यूज लाइव, साहिबगंज। चालू करो।